एंटिटी का काफी समय से हमारा लंबित विषय है और इस बात को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी से जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन के केंद्र में उनसे बात हुई है और साथ ही साथ जो हमारे सभी जो वरिष्ठ अधिकारी है शिक्षा विभाग में, चाहे उसमें हम सेक्टरीज की बात करें, चाहे एनसीटी के चेयरमैन और सेक्टरी की बात करें, सबसे काफी विस्तार से बात हुई है। और आप भी जानते हैं काफी वर्षों से ये मामला हमारा समझता हूँ पेंडिंग रहा है और वर्तमान में जो हमारे पास ट्रेंड मैन पावर इस वर्ग की एंटिटी शिक्षकों की है लगभग कोई 9-10 हजार के आसपास है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी उसमें कंडीशन 2 वर्ष की गई है कि आपकी कम से कम जो आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए एनटीटी टीचर्स की वो 2 वर्ष की होनी चाहिए और वर्तमान में जो हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है वो मात्र 1 वर्ष का है। तो उसमें यही हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलैक्सेशन मांगी है, चाहे मंत्री महोदय से मुलाकात हुई, चाहे हमारे अन्य अधिकारियों से, इसमें आपको विशेषकर 2014 से पहले जब से कंडीशन, जब ये कंडीशन नहीं थी उससे पहले इन्होंने 1 वर्ष का भी अगर ये रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने ये कोर्स किया हो वो वैलिड हो, तो अभी मैं समझता हूँ इसको लेकर एक जो मान्यता प्राप्त हमारे इंस्टीट्यूट से, क्योंकि प्रदेश में कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं था जिसके माध्यम से ट्रेनिंग हुई है, सभी जो ये हमारे ये भिक्षु है जिन्होंने भी ये कोर्स किया है, ये सभी किसने कश्मीर, जम्मू कश्मीर से किया है, किसने पंजाब से किया, जो ज्वाइंट स्टेट्स है हमारे यहाँ से किया है, तो जितने भी हमारे जो रिकोगनाइज होंगे मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट होंगे उसकी छटनी करके हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो 14 से पहले के है रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से उनकी नियुक्तियां आप ही हो, क्योंकि उस वक्त तो लागू था नहीं 2 वर्ष की कंडीशन, और जो तो उसके बाद के है उसमें हमारे को इस तरह का विकल्प दिया जाए जिसमें हम 1 ईयर प्लस ब्रिज कोर्स या कोई रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाए जिसके माध्यम से जो हमारी ये 4-5 हजार के आसपास जो पद खाली पड़े हैं जिसके कारण से हमारे बच्चों का भी नुकसान हो रहा है और हर वर्ष करोड़ रुपये आपके लैब्स हो रहे हैं जो हमारे को समग्र शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है, तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इन बातों को लेकर हमारे को केंद्र से भी आश्वासन सर, मिला। ये जो 1 ईयर प्लस ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा क्या नियुक्ति के बाद होगा? ये अभी मैं समझता हूँ सब बातों को लेकर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एग्जामिन कर रही है और ये मैं समझता हूँ नियुक्ति से पहले की भी बात है, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी ये तो छटनी हो जाए कि जो कोर्सेज हुए हैं किन्होंने मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से की है किन्होंने नहीं किए है और उसके बाद हम पुनः केंद्र के साथ ही मामला देखा। सर 261 के करीब शिक्षक अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, प्लेसमेंट के आधार पर ये होगी, कब तक सर ऑर्डर्स हो पाएंगे? ये मैं समझता हूँ कि सप्ते हो जाएंगे, ये लगभग फाइनल स्टेज पे था, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के दौरान भी अपने चुनाव आयुक्त से परमिशन मांगी थी कि इनकी नियुक्तियों के लिए मार्ग को आज्ञा दी जाए, लेकिन उस वक्त 4 सीटें लगी थी, 6 के बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी आपके प्रिंसिपल के रिक्त पड़े पद है ये शीघ्र आपके इसकी कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर ये फिलअप किए जाएं। सर जेबीटी की ओर से एक डिमांड उठाई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है भर्ती प्रक्रिया में रिजल्ट घोषित नहीं होना चाहिए, इसको लेकर अभी डायरेक्टर फाइल एलिमेंट्री मेरे पास आए थे, कुछ कोर्ट के भी आदेश आए हैं, अब उसको जरा एग्जाम करवा रहे हैं, लेकिन वो ये कि निश्चित काल तक ये इस तरह की स्थिति ना हो क्योंकि बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है और प्रदेश के अंदर ही विशेषकर मैं अगर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करूंगा 3148 स्कूल ऐसे है जहाँ पर एक भी टीचर नहीं, 2455 स्कूल ऐसे है जहाँ पर आपका मैं समझता हूँ विदाउट टीचर स्कूल्स है, तो इनको फिलअप करने की हमारी कोशिश है, प्रयास है और इसको एग्जामिन करवा के जो मैंने भी आपको बताया कि इसमें कोई लेटेस्ट कोर्ट ऑर्डर आया है उसके बाद में आपको बताऊंगा। सर अस्थाई भर्ती वाला फॉर्मूला फिलहाल काम नहीं आ पाया था, काफी विरोधी स्वर उठे थे, अब उसके बाद से क्या कुछ तय किया गया है भर्तियों को? जहाँ तक तो विरोधी स्वरूप की आप बात करो तो हर बात को लेकर कोई ना कोई बात उठ जाती है, लेकिन हमने जो फैसला करना है वो प्रदेश के हित में शीघ्र हमारे जो रिक्त पड़े पद है वो फिलअप किए जाए और जो तरीका हो ट्रांसपेरेंट हो, आरएमपी रूल्स के अकॉर्डिंग ये नियुक्तियां हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। सर नए वोकेशनल कोर्सेज भी अभी शुरू होने हैं स्कूल्स में, सर कब से होंगे और किस तरह का शेड्यूल अभी फिलहाल? ये लगभग मैं समझता हूँ 100 से अधिक स्कूल्स के लिए हमारे को ये वोकेशनल नए कोर्सेज की स्वीकृति मिली है केंद्र से और ये हमारी प्रक्रिया जुलाई के बाद प्रारंभ होगी। सर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से आपकी मुलाकात हुई और उनमें अनुराग ठाकुर से भी आप मिले, किन मंत्रालयों में आपकी मुलाकात हुई है और क्या ऐसे पक्ष थे जो आपने रखे? शिक्षा विभाग का तो मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, उसमें एक प्रमुख मुद्दा हमारा एनटीटी का था, जैसे इसके बारे में काफी
विस्तार से अभी बात रखी गई है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं आपकी स्कॉलरशिप की, क्योंकि वर्तमान में हमारा हिमाचल प्रदेश आपका स्पेशल कैटेगरी के तहत आता है। अपने 90-10 के अनुपात से हमारे को जितनी भी केंद्र की योजनाएं होती है, सेफ्टी स्पॉन्सर स्कीम्स होती है, वो 90-10 के आधार पर हमारे को केंद्र से पैसा मिलता है। कुछ एक दो हमारी छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं जहाँ पर हमारे को 60-40 के आधार पर पैसा मिल रहा है। हमने मांग की है कि इसको 90-10 के आधार पर किया जाए प्रदेश में और हमारे केंद्रीय विद्यालय खुले, क्योंकि मैं समझता हूँ अच्छे संस्थानों में इनकी गिनती होती है और राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी बेस्ट एजुकेशन है प्रदेश में और इस तरह के संस्थान आए, ये भी मांग की ही है। आपकी जो कांगड़ा यूनिवर्सिटी है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी टाइम से धीमी गति से कार्य चला है, इसको भी स्पीडअप करने की हमने धर्मेंद्र प्रधान जी से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने और उनको हिमाचल आने का भी उनको न्योता दिया है, क्योंकि उनका संबंध हमारे प्रदेश के साथ, उनका विवाह हमारे मंडी जिला से है और उन्होंने हमारे नियुक्ति को भी स्वीकार किया है और शीघ्र में समिति सब बातों को लेके केंद्र सरकार भी हमारे मंत्री महोदय हमारे सभी जो अधिकारी है उसमें एक तो हमारे हिमाचल कैडर के ही अफसर है संजीव मूर्ति जी, ये पूर्ण आशा है कि इन सब बातों को लेकर प्रगति होगी। ये तो बात शिक्षा विभाग की, इसके अलावा भी मैं नितिन गडकरी जी को मिला और उसमें विशेष रूप से जो हमारे इस समय तो आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि सड़कें पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, सड़कें हमारी मीन्स ऑफ एकमात्र कनेक्टिविटी रही है। आज आवश्यकता है कि सड़कों को अपग्रेड किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग रही है और साथ ही साथ टनल्स का निर्माण हो, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो, आपकी डिस्टेंसेस शॉर्ट हो और इसका कितना लाभ मिल रहा है इसका प्रमाण आपके पास में समझता हूँ, चाहे वो किरतपुर मनाली सड़क की बात हो, पोलिनिंग की बात हो, चाहे रोहतांग टनल की बात हो, जिसका मैं समझता हूँ बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट, चाहे हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें, चाहे हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें, जो दोनों सेक्टर्स ही लगभग कोई 20% के आसपास जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि तुम्हारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय घड़ा पत्थर टनल का भी काफ़ी लंबे समय से आपका पेंडिंग लंबित रहा है। ये मामला भी मैंने गडकरी से उठाया था और उनका धन्यवाद भी उभारी हूँ कि उन्होंने एनुअल प्लान में, क्योंकि बड़े कार्य इसमें समय भी लगता है, एनुअल प्लान में इंक्लूड किया है, इसकी आपकी फिजिबिलिटीज का सर्वे नए सिरे से किया जाएगा और इसके लिए आने वाले समय में इसका वित्त पोषण हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा जैसे अनुराग ठाकुर जी की बात है, वो भी हमारे प्रदेश के हमारे समझताओं प्रदेश से संबंधित है, वरिष्ठ मंत्री है और उनने भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए हर तरह से प्रदेश सरकार की मदद का आश्वासन दिया है। एक राजीव गांधी ग्रे बोर्डिंग स्कूल जो है, ये जमीन जो है वो एक्वायर करने की बात करते हैं, ताज़ा उस पर क्या डेटा हुआ? अभी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लगभग कोई 15 के आसपास मार्क ऐसे स्थल मिल चुके हैं जो ऑलरेडी शिक्षा विभाग के नाम जमीन हो चुकी है। प्रथम चरण में जो हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा वो उन जगहों से होगा जो ऑलरेडी शिक्षा विभाग के नाम हो चुके हैं। पर जहाँ तक तो अधिग्रहण की आपने बात की, ये भी मुख्यमंत्री ने बात कही है, भविष्य के लिए इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो ऑलरेडी शिक्षा विभाग के नाम जमीने हैं वहाँ पर ये स्कूल आ गया है।